ज्योतिष के हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित नीरज जगदीश शास्त्र और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम। मित्रों, आज दिनांक 16 नवंबर 2024 शनिवार है। सबसे पहले आज की जो ग्रह स्थिति है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मित्रों, आज गुरु तथा चंद्र वृषभ राशि में है, मंगल कर्क राशि में है, केतु कन्या राशि में है, सूर्य तुला राशि में है, बुध वृश्चिक राशि में है, शुक्र धनु राशि में है, शनि कुंभ राशि में है और राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज नक्षत्र कृतिका है, की प्रतिपदा है, करण बालव है, योग परीघ है, सूर्य गोचर कर रहे हैं तुला राशि में और चंद्र गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल रहेगा सवेरे के 9:25 से 10:48। राहु काल में हमें कोई भी मांगलिक कार्य शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:35 से 12:59 तक। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी ऐसा शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जिससे हमको लंबे समय तक लाभ लेने की अभिलाषा हो। दिशाशूल पूर्व की तरफ रहेगा, पूर्व की तरफ यात्रा करने से बचना है। अगर मजबूरी है पूर्व की तरफ यात्रा करनी ही है तो अदरक खाकर पूर्व की तरफ लंबी दूरी की यात्रा की जा सकती है। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करते हैं। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। चिंताएं कुछ परेशानियां आज पूरा दिन आपके साथ लगी रहेंगी। पैसे की चिंता विशेष रूप से हो सकती है। आपको प्रयास करना है कि किसी गलत जगह किसी गलत स्कीम में परिवार की सुने दोस्तों की सुने तो आपको नुकसान होने से बच जाएगा। वर्क प्लेस और कोऑपरेशन रोज जैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। इसको लेकर के किसी के साथ वाद विवाद ना करें, अपने जो भाषा है उस पर संयम रखें, अभद्र बात बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी सी डल लग सकती है, एक दो दिन का फेज है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ENT के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। प्रेमीजनों को भी सलाह दी जाती है कि आज का दिन मध्यम फलदायी है, कोई विशेष प्रयास आज ना करें। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। और आज के लिए आपको उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पित करें। वृषभ राशि। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। आपका बहुत सारा समय किसी ऐसे कार्य पर खर्च हो सकता है जो आप बहुत दिन से करना चाह रहे थे, आप या आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है जो बहुत दिन से रुका हुआ था वो आज पूरा हो सकता है। आज आप परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ कुछ मौज मस्ती सैर सपाटा आउटिंग करने जा सकते हैं। आत्मबल आपका बढ़ेगा, आपका स्वभाव अच्छा होगा, कोई रोक था तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। पैसे का फ्लो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। समाज में आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। आज मानसिक शांति भी बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 6 है और शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। मिथुन राशि। आज प्रयास करें कि बिना बात के किसी चिंता तनाव का शिकार ना हो। एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ेंगे, इस बात की चिंता आपको आज हो सकती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तनावपूर्ण परिस्थितियों से जितना हो सके दूरी बना करके रखने की कोशिश करनी है। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, रखना है इंपल्सिव बाइंग से। आपको सरदर्द हो सकता है, आंखों में कोई समस्या हो सकती है, ये समस्या पुरानी है वापस से उभर रही है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। आपको नींद ठीक से लेनी है, अदरवाइज आपका स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों खराब हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ बिना वजह के विवाद से बचना है और नकारात्मक परिस्थितियों में अपने को डालने से पूरी तरह। आज का दिन आपके लिए 65% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। और आज के लिए आपको उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि। आमदनी आपकी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो वेल्थ भी बढ़ेगी। आप देखेंगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे वहां से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से आपको फायदा होगा। इसके अलावा आपको गोल्ड से, सिल्वर से भी फायदा होगा। बहुत सारी सोर्सेज से आपको लाभ हो सकता है। आपको सबॉर्डिनेट्स, आपको वर्कर्स आपकी मदद जरूर करेंगे। आपको बिजनेस में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। विचारों में आपकी स्थिरता आएगी, परिस्थितियां पहले से बेहतर समझ में आएंगी। समाज में मान सम्मान भी आपका पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। आज के दिन आपके लिए 90% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 2 है और शुभ रंग आपके लिए 3 रहेगा। सिंह राशि। कामकाज में, बिजनेस में, जॉब में प्रोग्रेस हो सकती है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अपने सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, बिजनेस आपका इम्प्रूव होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, कोई हायर पोजीशन मिल सकती है, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा सकती हैं।
जिसकी वजह से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और लीडरशिप क्वालिटीज भी आपके काम आएंगी। आपके जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो आपके काम से खुश होंगे, उनकी तारीफ भी की जा सकती है। कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट बहुत दिन से शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, अभी बिल्कुल सही समय है, आप शुरू कर दें, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए 85 अंक 1 है और शुभ रंग नारंगी है। कन्या राशि, काम काज बिजनेस जॉब थोड़ा स्लो होगा, मेहनत तो बहुत ज़्यादा की जाएगी, लेकिन परिणाम या तो देर से मिलेंगे या कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। भाग्य साथ नहीं देगा, इसलिए परिश्रम करते रहें। आप अपना जो मन है वो धार्मिक कार्य में लगा सकते हैं, ईश्वर भक्ति में, और तीर्थ यात्रा के लिए आप जा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, इससे लाभ होगा। इसके अलावा गुरु से मुलाकात करें, उनसे आशीर्वाद लेंगे तो भी आपके लिए लाभ होगा। पिता का स्वास्थ्य ध्यान दें, किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या किसी ऑफिसर के साथ आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है, इसको टालने का प्रयास करना चाहिए। बॉडी में थोड़ी वीकनेस फील हो सकती है, मन में थोड़ा आलस रह सकता है, जिसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंट काम आपका छूट सकता है, लेकिन दान पुण्य करेंगे तो आज जरूर लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए 75% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है, और आज के लिए आपका उपाय है मंदिर में पीले फलों का दान करें। तुला राशि, स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, क्योंकि अगर कोई लंबा चलने वाला रोग है तो आपको खान पान का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टूरिंग जॉब में हैं तो आपको हो सकता है उस दिन के लिए बाहर जाना पड़े, जहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और वाहन भी सावधानी से चलाना है। जीवन साथी का परिवार आपसे कुछ इंटरेक्शन कर सकता है, जो कि पॉजिटिव रहना चाहिए। घर पे और वर्क प्लेस पर विवाद वाली स्थितियाँ पैदा ना हो, इस बात का प्रयास करें, अन्यथा बात का बतंगड़ बन सकता है। आज तनाव थोड़ा बहुत आपके मन मस्तिष्क में हावी रह सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए मजेंटा है, और आज के लिए आपका उपाय है 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि, कुछ नए नए लोगों के साथ आपका संपर्क होगा, कुछ नए दोस्त बनेंगे, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, पारिवारिक माहौल अच्छा होगा, बच्चे आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होंगे, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कुछ नए मिल सकते हैं, आमोद प्रमोद में मौज मस्ती आज का दिन बीत सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे थे तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है, और आपके लिए अगर बिजनेस पार्टनर भी आपको सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। लाइफ में लव और हार्मनी बनी रहेगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम के कुछ नए और अच्छे सोर्सेज भी आपको मिल सकते हैं। आज के दिन आपके लिए 85% अनुकूल है। शुभ अंक 9 है और शुभ रंग गेरुआ है। धनु राशि, प्लैनेट का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है, आपका अच्छे परिणाम देगा, आपके रिश्तेदार सपोर्ट करेंगे, सत्रों पर विजय मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास बनाकर के रखिए। प्रत्येक कार्य में आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था तो उसमें आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, और लोन लेना चाहते थे तो पेपर वर्क रेडी करें, आपको लोन भी मिल जाएगा। आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब फ्रंट भी अच्छा रहेगा। फैमिली लाइफ आपकी पीसफुल और हारमोनियस बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में आज के दिन आपको मर्यादा बनाए रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 3 है और शुभ रंग आपके लिए पीला है। मकर राशि, परेशानियाँ थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आए क्या डिसीजन लिया जाए। आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी जानकार, अगर आप कहीं पर भी पशुपेश में फंसते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको चाहिए कि आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। वर्क प्लेस पर आप बहुत सारा काम एक साथ पकड़ लेंगे तो कोई काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए कंसंट्रेशन करना आज प्रॉब्लम होगा। कोशिश करें कि जो काम हाथ में है उसी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा करें। संतान को रिलेशनशिप का कुछ इश्यू हो सकता है, उसके साथ बैठें, बातचीत करें, उसकी समस्याओं को सुलझाएं। इंडाइजेशन के कुछ इश्यू हो सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नई नौकरी की तलाश में थे तो कहीं से ऑफर मिल सकता है। पेट के रोग हो सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की आज कोशिश की जा सकती है आपके दुश्मनों के द्वारा, उस थोड़ा नज़र रखिए। और शेयर मार्केट में किसी भी स्पेकुलेशन के इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज के दिन बहुत अच्छा नहीं है, कुछ दिन का इंतजार करें, उसके बाद ही आपको इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज के दिन आपके लिए 65% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग काला है, और आज के लिए आपको उपाय है गाय को हरा चारा खिलाएं। कुंभ राशि, काम काज में रुकावटें आएंगी, माता का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन रहा है, आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी जो रुकावटें हैं आज काम की, उनको आपको एक एक करके दूर करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य की तो चिंता करनी ही है, साथ साथ उनके साथ संबंध भी सामान्य रखने हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेना। आप कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, कोई मकान खरीदने के बारे में सोच रहे थे, या कोई ज़मीन लेने के बारे में सोच रहे थे, तो आप देखें, पसंद करें, लेकिन पैसे का लेन देन भी करने से बचें। अभी कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो या तो लॉस हो सकता है या धोखे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए जोखिम का कोई भी कार्य फिलहाल ना करें।
खर्चों पर नियंत्रण रखें, इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बना करके रखें, बचत का प्रयास करें, वाहन जितना हो सके सावधानी से चलाएं, धीरे चलाएं। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है, शुभ अंक 8 है, शुभ रंग काला है और आज के लिए आपको उपाय है माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। मीन राशि, साहस, आप अपने सभी शत्रुओं का आसानी से सामना कर पाएंगे। आपके जो शत्रु भी हैं वो भी आपकी हिम्मत का लोहा मानेंगे, भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे, आपके लिए बहुत सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहेंगे। लाइफ में आपके पीस एंड हार्मनी बनी रहेगी, धैर्य बना करके रखिए, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी, सेहत सुधरेगी, संबंध सुधार आएगा, लेकिन अगर कोई सांस से संबंधित समस्या है तो थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों का होगा, सबका सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, आपकी वाणी में होज रहेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे भी, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है, शुभ अंक आपके लिए 3 है और शुभ रंग आपके लिए बसंती है। मित्रों, यह था हमारा आज का राशिफल कार्यक्रम सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय महादेव।